Cause I just wanna go, go, go to the deep end. I just wanna. आपका स्वागत है। आइए दोस्तों, नवंबर के महीने में अगर आप एक बढ़िया स्मार्टफोन ढूंढ रहे थे और आपकी बजट 10,000 की है या उसके आसपास है, डोंट वरी, मैं ना हर महीने ऐसा वीडियो लेके आता हूं जहां पर मैं आज आपको 3 ऐसे कमाल के सुपर वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन्स के बारे में बताऊंगा जो आपको 10,000 की रेंज में मिलते हैं। और वैसे दोस्तों, हमने अलग अलग प्राइस कैटेगरी पर वीडियो बनाए हैं, हर महीने आते हैं। आप ऐसे वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर आप नए तो सब्सक्राइब करिए, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो ऐसे वीडियोस आप मिस कर देंगे। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। अब यहां पर दोस्तों, सबसे पहला जो स्मार्टफोन है, हाल ही में लॉन्च हुआ है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ये है मोटोरोला का E40। 9,500 का है, 4GB रैम, 64GB स्टोरेज। सबसे पहली चीज इसको रेकमेंड करने की वजह यह है दोस्तों, क्योंकि इसमें आपको स्टॉक एंड्रॉइड मिलता है। अब फोन जितना बजट में आता है ना, उतने बहुत सारी चीजें कॉम्प्रोमाइज होती है, और अगर सॉफ्टवेयर अच्छा ना हो ना, तो फिर एक्सपीरियंस एकदम खराब हो जाता है। लेकिन यहां पर सॉफ्टवेयर के मामले में आपको एक्सपीरियंस अच्छा मिलेगा, एड्स कम हो गए, मतलब होगा ही नहीं, स्टॉक में तो वैसे रहते नहीं है, और साथ में ब्लूटूथ वगैरह कुछ भी नहीं रहेगा, क्लीन सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस होगा। तो यहां पर पहली चीज यही है, इसलिए मैंने इस फोन को आपको रेकमेंड किया हो। और उसी के साथ दोस्तों, आपको परफॉर्मेंस के लिए यूनिसॉक T700 वाली चिपसेट मिलती है, जो यूनिसॉक T610 था, ये उसका सक्सेसर है, और ये चिपसेट अच्छी है, आप उसको हेलियो G85 के आसपास बोल सकते हैं। यानी कि अगर आपको गेम्स वगैरह खेलना है, आप इसमें कर सकते हैं। हमने इस पर पूरा वीडियो बनाया था, आप जाके उस वीडियो को देख लेना। और कैमरा भी दोस्तों आपको इसमें अच्छा मिलता है, 48 मेगापिक्सल रियर कैमरा है, और आपको 8 मेगापिक्सल सेल्फी मिलती है। मोटोरोला के फोन्स में ना कैमरा अच्छे होते हैं, थोड़ी ऑप्टिमाइजेशन वो लोग करते हैं, तो बजट में कैमरे के मामले में भी ये लोग अच्छा काम करते हैं। 5,000 mAh की आपको बैटरी है, 10W चार्जर वगैरह है, तो बैटरी बैकअप वगैरह भी आपको यहाँ पर अच्छा मिलता है। और डिस्प्ले दोस्तों आपको 6.5 इंच की HD+ की एक पंच होल वाली IPS डिस्प्ले मिलती है, और 90Hz आपको रिफ्रेश रेट मिलता है। तो डिस्प्ले दोस्तों HD+ है, ठीक है, ज्यादातर बजट फोन में यही होता है, लेकिन 90Hz रिफ्रेश रेट है, पंच होल वगैरह है, तो यहां पर ऑनेस्टली कहता हूं आपका एक्सपीरियंस अच्छा होने वाला है। हमने वीडियो में सब कुछ बताया है, अनबॉक्सिंग वाला वीडियो जरूर से देखना। बाकी टाइप सी पोर्ट है, फिंगरप्रिंट स्कैनर वगैरह, ये सब कुछ आपको अच्छा मिलता है। 9,500 में ऑनेस्टली कहता हूं एक बढ़िया पैकेज है, जिसको आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। उसके बाद 9,000 रुपए में आता है देसी माइक्रोमैक्स इन 2B 4GB रैम, 64GB स्टोरेज। अब मैं इसको नहीं बोल रहा हूँ, रीजन दो वजह, एक तो स्टॉक एंड्रॉइड है और दूसरा ऑब्वियसली इंडियन कंपनी है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे जिन्होंने मुझे ट्विटर पर टैग करके बोला है कि भाई माइक्रोमैक्स वाले अपडेट्स नहीं दे रहे और साथ में सर्विस भी उनकी अच्छी नहीं है। और अगर वाकई में ऐसा हो रहा है, अगर आप माइक्रोमैक्स के फ़ोन यूज़ करते हैं, तो कमेंट में मुझे अपना एक्सपीरियंस जरूर से शेयर करना, क्योंकि हम ब्रांड्स तक लेके जाते हैं। और अगर ऐसा होता है तो फिर बुरी बात है, क्योंकि फिर मैं एक तरफ उनके फ़ोन रेकमेंड कर रहा हूँ इंडियन बोल के, और फिर बाद में आप लोग के साथ ऐसा इशू होगा तो मुझे शर्मिंदगी होगी। तो उम्मीद करते हैं माइक्रोमैक्स ऐसा ना करे। और यहां पर उसके बाद आपको 6.5 इंच की HD+ की एक IPS डिस्प्ले मिलती है। प्राइस के हिसाब से IPS डिस्प्ले ब्राइट है, अच्छी है, एक्सपीरियंस आपका अच्छा होगा, परफॉर्मेंस बढ़िया है। यूनिसॉक T610 ये इंडिया का पहला फोन था जिसमें ये चिपसेट आई थी, और यहां पर आपको पहले हमने अंडर एस्टिमेट किया था, लेकिन बाद में जब हमने गेम्स वगैरह खेल के देखा तो परफॉर्मेंस बढ़िया थी। तो गेमिंग के लिए भी दोस्तों इस प्राइस पर ये चिपसेट बहुत अच्छी है। साथ में कैमरा ठीक है इसमें, 13 और 2 मेगापिक्सल का रियर कैमरा है, और आपको 5 मेगापिक्सल की सेल्फी है। मैंने टेस्ट किया था, कैमरे में माइक्रोमैक्स को ना बहुत काम करना पड़ेगा, अभी तक उनके फोन्स में कैमरा मुझे एक ऐसा है जो इतना ज्यादा पसंद नहीं है। साथ में 5,000 mAh की बैटरी है, 10W चार्जर वगैरह मिलता है, लेकिन बैटरी आपको यहाँ पर अच्छी मिलेगी, बैकअप आपको यहाँ पर कमाल का मिलेगा, ओवरऑल आपको फिर टाइप सी पोर्ट वगैरह है, फिंगरप्रिंट स्कैनर, ये सब कुछ अच्छा मिलता है। 9,000 में एक इंटरेस्टिंग पैकेज है, लेकिन अगर आपको इसको नहीं लेना है तो मैं आपको एक ऑप्शन देता हूँ, इन्फिनिक्स का हॉट 10 प्ले है, 9,000 में 4GB रैम, 64GB स्टोरेज, वहां पर और भी बड़ी बैटरी है 6,000 mAh की, और भी बड़ी डिस्प्ले है। तो बड़ी बैटरी और बड़ी डिस्प्ले का एक्सपीरियंस चाहिए तो आप इन्फिनिक्स हॉट 10 प्ले को भी चेकआउट कर सकते हैं। और फाइनल जो स्मार्टफोन है दोस्तों, 1,000 रुपये ऊपर जाएगा आपके, 11,000 हो जाएगा, लेकिन अगर आप उसको ऑफर वगैरह पे ट्राई करते हैं तो 10,000 तक आपको मिल सकता है, लेकिन ये वर्थ है। मैं बात कर रहा हूँ इन्फिनिक्स हॉट 11S की, 4GB रैम, 64GB स्टोरेज। सबसे पहली चीज, सबसे बढ़िया चीज इसमें मिलता है लेटेस्ट MediaTek Helio G88 वाली चिपसेट। दोस्तों अच्छी चिपसेट है, आपको गेमिंग इसमें बहुत अच्छी होगी, और साथ ही साथ इसमें आपको बड़ी डिस्प्ले मिलती है, 6.78 इंच की आपको फुल HD+ वाली एक IPS डिस्प्ले मिलती है, और साथ में 90Hz आपको रिफ्रेश रेट भी मिलता है। तो बड़ी
3GB डिस्प्ले है, रिफ्रेश रेट भी आपको अच्छी मिलती है, तो एक्सपीरियंस आपका यहाँ पर बहुत अच्छा होगा। आपको बड़ी बैटरी भी मिलती है 5000mAh की, साथ में आपको रियर में 50MP वाला कैमरा मिलता है, जी हाँ, और साथ में आपको 8MP की सेल्फी मिलती है। कैमरा वैसे जो स्पेशली 50MP से अगर आप फोटो लेते हैं तो वो अच्छा है, वो हमने टेस्ट किया था, बाकी कैमरा इसका ना ठीक है। साथ में दोस्तों आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर, टाइप सी पोर्ट वगैरह ये सब कुछ तो मिलता है, बाकी सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस ना ठीक है, मतलब वहां पर आपको थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। लेकिन ओवरऑल दोस्तों अगर आप डिस्प्ले देखते हैं, परफॉर्मेंस देखते हैं, बैटरी देखते हैं, तो प्राइस के हिसाब से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्मार्टफोन है। तो दोस्तों ये वो तीन स्मार्टफोन्स थे जो मुझे लगता है कि बेस्ट स्मार्टफोन से वैल्यू फॉर मनी है, जो आपको 10,000 की रेंज में इंडिया में मिलते हैं। लेकिन उसके अलावा भी पोको के बहुत फोन से, रियलमी के काफी सारे फोन से, रेडमी के हैं, आप वो भी जाके चेकआउट कर सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि ये तीन फोन्स बढ़िया है जिनको मैं अपनी तरफ से आपको रेकमेंड करता हूं। इतना ही दोस्तों इस वीडियो के अंदर, वीडियो पसंद आएगी लाइक करिए, तब तक के लिए ऑलवेज कीप स्माइलिंग।